और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें जानने के लिए आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। सांगानेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने शनिवार को पुष्पेंद्र भारद्वाज के 51 प्रहर सांगानेर बनेगा नंबर वन घोषणा पत्र लॉन्च किया। इस दौरान भारद्वाज ने अगले 5 सालों में किए जाने वाले कार्यों को लेकर अपना विजन भी बताया। भारद्वाज ने मीडिया को बताया कि उन्होंने 1 माह के दौरान जनसेवक आपके द्वार यात्रा निकाली थी। इस दौरान उन्होंने 410 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर 45,000 लोगों से मुलाकात की थी। उस दौरान जो लोगों की समस्याएं थी उनके आधार पर उन्होंने यह 51 प्रहर का घोषणा पत्र बनवाया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य रोजगार शिक्षा रोजगार के साथ ही महिला युवा और वरिष्ठ नागरिकों के साथ ही मूलभूत सुविधाओं पर फोकस किया गया है। उन्होंने बताया कि चुनाव जीतने पर वे संगनेर में सैटेलाइट अस्पताल का तय समय में निर्माण करवाएंगे, विधानसभा में नया जनाना अस्पताल और प्रमुख क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाएंगे, छात्रों के लिए वातानुकूलित पुस्तकालय का निर्माण कराएंगे, वहीं प्रमुख बाजारों और पार्कों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी देंगे, खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय स्टेडियम का निर्माण भी करवाया जाएगा, कपड़ा व्यापारियों के लिए आधुनिक टेक्सटाइल पार्क बनवाएंगे, महिला आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण केंद्र सहित समस्त विधानसभा में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भी की जाएगी, विधानसभा में धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार कराया जाएगा और इसके अलावा सभी कॉलोनियों में बिसलपुर पेयजल लाइन, सिवल लाइन, सीतापुर से अजमेर गेट तक मेट्रो लाइन का विस्तार, संगनेर और मानसरोवर में शहरी बस सेवा सहित कई विकास के कार्य कराए जाएंगे। भारद्वाज ने बताया कि पूरे 5 साल की सक्रियता के चलते उन्हें गली गली की समस्याएं पता है और 5 दिन पहले संगनेर आए भजन लाल को गलियों का भी पता है। जन समर्थन हमें मिला, उस दौरान जो हमारे सामने समस्याएं आई लोगों के द्वारा उसको लेकर के हमने हमारा मैनिफेस्टो तैयार किया और मुझे खुशी है कि राजस्थान में शायद सांगानेर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो आज मैनिफेस्टो यहाँ की समस्याओं को लेकर जनता की सुविधा को लेकर जो जारी किया जा रहा है ये पहला विधानसभा बनेगा। और आप लोगों का यूट्यूब चैनल और अन्य मीडिया संस्थानों से आए हुए सभी साथियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हमारे छोटे से आवेदन पर आप सभी यहां हमारे बीच पहुंचे। जैसा कि आप सब जानते हैं गत 5 सालों से लगातार इस सांगानेर विधानसभा के अंदर हम लोगों ने संघर्ष किया, जनता की जो उम्मीदें यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से होती थी और चुने हुए जनप्रतिनिधि लगातार 20 सालों से अपने क्षेत्र से नदारद रहे, उन जनभावनाओं का हमने सम्मान किया जनता के बीच, जनता को लगने नहीं दिया कि उनका विधायक उनके बीच नहीं है। एक जनसेवक के रूप में लोगों ने मुझे एक पहचान दी और पिछले 3 महीने पहले हमने जनसेवक आपके द्वार यात्रा एक निकाली जिसमें 45,000 व्यक्तियों तक मैं व्यक्तिगत मिला। 45,000 व्यक्तियों तक मिलने का मतलब मेरे बजट पर तो ये पिछली बार का मेरा ये मैनिफेस्टो मैंने बनाया था, शपथ पत्र के रूप में दिया था 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे कि मैं सैटेलाइट हॉस्पिटल खुलवाऊंगा, मैं गवर्नमेंट कॉलेज खुलवाऊंगा, मैं आपके लिए अच्छे पार्क लाऊंगा, मैं बिसलपुर पानी की परियोजना को लेकर के आऊंगा, वो सारी चीजें मैं लेके आया गवर्नमेंट के सहयोग से। आज सांगानेर में सारे बड़े काम हो चुके हैं, आज सांगानेर में कोई बड़े काम ऐसे नहीं है जो बचे हुए, आज सांगानेर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव जो आप सोचिए कि 20 साल तक जो लोग यहाँ लगातार एक पार्टी विशेष के नेता बन रहे हो, यहाँ पे एमएलए बन रहे हो, मंत्री बन लिए हो, महापौर बने हो और आज लोगों को रोडों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, पानी के लिए आंदोलन करना पड़ता है, लाइटों के लिए आंदोलन करना पड़ता है, सिविल लाइन के लिए आंदोलन करना पड़ता है, तो ये कमी किसकी। मैंने तो मेरा तो नारा है कि 20 साल इनको दिए तो 5 साल मुझे दीजिए, इस सांगानेर में एक बार बदलाव ला के देखिए, हम इस सांगानेर को बदल के रख देंगे।5 साल जनता के बीच में रहूं, जनता की जन भावनाएं कद्र करके पार्टी ने मुझे टिकट दिया। ऐसे पार्टी के बहुत सारे नेता बनाए, किसी को महापौर बनाए, अब उनको लगता है कि पार्टी हमारी बेकदरी कर रही है तो दूसरी पार्टी में जा रहे, सिर्फ स्वार्थ सिद्धि पूरी नहीं होने की वजह से पार्टी छोड़ के जा रहे जो गलत है। दूसरी पार्टी कौन सा उनको सब कुछ दे देगी, जिस दिन वहां से पार्टी में आपको नजरअंदाज किया गया फिर आप अपने घर में लौट के आओ, तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। पार्टी ने महापौर का पद दिया ऐसा नहीं, अगर आप वेट भी कर लोगे कुछ दिनों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, सुरेश मिश्रा जी चले गए
आज सुरेश मिश्रा जी ने संघर्ष का रास्ता छोड़ दिया, वो चाहते हैं कि बैठे बैठे कटोरी के अंदर उनको खीर खाने को मिल जाए। अगर आपको इतना ही चुनाव लड़ने का शौक था, संघर्ष करते हमारी तरफ, आज जनता हमारे को जिताने के लिए क्यों बैठी है? क्योंकि 5 साल संघर्ष किया है, आपको टिकट दी थी, आपने संघर्ष नहीं किया, संघर्ष नहीं किया तो पार्टी ने आपका टिकट काट दिया। पार्टी ने तो बीजेपी के कैंडिडेट का टिकट काटा जीते हुए का, क्योंकि संघर्ष नहीं किया, जनता के बीच में नहीं रहे। जो जनता के बीच में रहने वाला नेता है उसको कोई पार्टी छोड़ के कहीं नहीं भागना पड़ेगा, और जो जनता के बीच में जनता की सेवा करने वाला नेता है वो अपनी खुद की पार्टी में ही पूजेगा और कार्यकर्ताओं को भी पूजवाएगा और जनता उसको भी पूजेगी। जी अमीन काक जी का कहना है कि जो सीट झोले में रहती बीजेपी ने एक तरह से सांगानेर सीट से भजनलाल जी को उतार के, जबकि ये बीजेपी कोर सीट मानी जाती है, तो क्या लगता है कि बीजेपी ने भजनलाल जी को उतार के ये सीट आपको झोली में दे दी, जैसा कि अमीन काक जी का कहना है? देखिए अमीन काक जी साहब क्या कहते हैं उनकी सोच है, मेरे लिए तो सांगानेर विधानसभा की जो सीट है वो बीजेपी के लिए काफी अच्छी सीट थी, कांग्रेस के लिए टफ थी, लेकिन आज की तारीख के अंदर जो मैंने लोगों की जनसेवा की या जो विकास के काम किए, जो मैं 24 घंटे लोगों के लिए लोगों के बीच में रहा, जनता के लिए जिया, जनता के लिए मरा, कोरोना जैसी महामारी में भी इनके बीच रहा, 24 घंटे कार्यालय खोल के बैठा, लोग आते हैं, लोगों की जनसुनवाई करता हूँ, मेरे सामर्थ्य अनुसार जनता की सेवा करने का प्रयास करता हूँ, इसलिए लोग आज इसको बीजेपी के लिए हारी हुई सीट मानने लगे। बहुमत में आएगा, आप लिख के ले लीजिएगा, कांग्रेस स्पष्ट बहुमत में आएगी। आज हर वर्ग खुश है, राजस्थान में सरकारी नौकरियां पंप पर तादाद में दी गई, राजस्थान में व्यापारियों के लिए खूब घोषणाएं हुई उनका अमल में लाया गया, राजस्थान के अंदर आम गृहणियों के लिए सारी योजना, इतनी योजनाएं थी कि लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, आम परिवारों के लिए चिरंजीवी जैसी योजना आई, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो जो 7 गारंटी दी है उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। आज सरकारी कर्मचारियों का देख लीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी घबराई हुई है और कर्मचारी घबराया हुआ है कि अगर कांग्रेस नहीं आई तो हमारा क्या होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस इस बार कितनी मजबूत स्थिति में। इनकी भारत का भी समस्या है उसको लेकर के आज तक इनके बारे में सीरियसली किसी ने सोचा नहीं, आज भी वो समस्याओं से ग्रसित है, सरकारों की तरफ दाखिल निगाहों से देखते हैं। कांग्रेस सरकार में भी इनके हितों के लिए काफी हद तक काम किए, अभी 18 करोड़ रुपए माननीय अशोक गहलोत जी ने हमारे सामने रंगाई सफाई उद्योग के लिए दिए, ताकि ये जो STP प्लांट है वो प्रॉपर वर्क कर पाए, उद्योग को नई जान मिल पाए। केंद्र सरकार भी 40 करोड़ रुपए अटके हुए, उनकी सोच इस तरह की रहती है, और ये सत्य बात भी है कि आदमी जितने बाद में गायब हो जाता है। और मैं तो ये पहला चुनाव तो है नहीं, मैं 4 चुनाव मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स के भी जीते और वो निर्दलीय के रूप में जीते जीते लास्ट में निश्चय से प्रेसिडेंट बना था यूनिवर्सिटी का, तो कानून के दम पे जीता और कानून के दम पे आज राजनीति मेरे को हमेशा करनी है। आज तो है नहीं कि आज ही राजनीति करनी है, इस बार जीत गया आगे नहीं जीतना, तो जनता मेरा तो मानना है कि जब तक जनता जिताती रहे तब तक नेतागिरी करते रहो, जिस दिन जनता आराधे उस दिन आप संकट की राजनीति करें। सांगानेर में मैंने 4 चीजें बोली, जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव वो पूर्ण करना, दूसरा सांगानेर की पहचान रंगाई सफाई उद्योग से, जो हमारी रंगाई सफाई उद्योग की बड़ी मांग है, टेक्सटाइल मार्केट बनना चाहिए, इनके जो जो इनका ट्रीटमेंट प्लांट है जो उससे पानी की प्रॉपर उसको ट्रीट करके उसका सुचारू रूप से उसके शुरू चलना चाहिए, तो एक तो रंगाई सफाई उद्योग को नई ऊंचाइयां देनी है मुझे, और एक मूलभूत सुविधाओं का अभाव पूरा करना, उसके अलावा जितने हमारे इंस्टीट्यूशन है, चाहे यहाँ कॉलेज जो हमने खोल दिए, इंग्लिश मीडियम के मॉडल स्कूल जो खोल दिए, जो हमने यहाँ पे सेटेलाइट हॉस्पिटल जो खोल दिए, इनकी जो सुविधाएं है वो स्तरीय सुविधाएं हो, उसके बाद सांगानेर विधानसभा आदर्श विधानसभा कहलाए। एक सबसे बड़ी समस्या